कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को टारगेट कर उसे आईएसआईएस और बोको हराम से तुलना करने के बाद पूरे देश में आक्रोश देखा जा रहा है। ग्वालियर में भी सलमान खुर्शीद के खिलाफ हिंदू संगठनों का गुस्सा फूटा। हिंदू सेना के बैनर तले पूरे देश भर में आज सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया गया। हिंदू सेना ने सलमान खुर्शीद द्वारा हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से करने पर माफी की मांग की है। हिंदू सेना का कहना है कि यदि सलमान खुर्शीद माफी नहीं मांगते हैं तो पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हिंदू सेना ने प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी के आदेश पर ग्वालियर में सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया है, क्योंकि सलमान खुर्शीद अक्सर देखने में आया कि विवादात्मक बयान देते हैं और इस बार उन्होंने हिंदू धर्म को आईएसआई के साथ बोपो के साथ जोड़कर जो गलत बयान दिया है, हिंदू समाज को जो आतंकवाद बनाया है, हिंदू संगठनों को जो आतंकवादी किया, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस विरोध में आज ग्वालियर में बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी के आदेश पर संपूर्ण भारत भर के अंदर जिला स्तर पर पुतले फूके जा रहे हैं और सलमान खुर्शीद जी को और ऐसे विवादित बयान देने वाले नेताओं को हिंदू सेना चेतावनी देती है कि भविष्य में अगर इस तरह के द्वारा बयान आए और हिंदू संगठनों को अगर आपने आतंकवादी संगठन बनाया, आतंकवादी संगठनों से तोला या आतंकवादी संगठनों के द्वारा उनका विचार विमर्श कराया तो हिंदू संगठन विरोध करेगी और पूरे भारतवर्ष में इसी तरह का आंदोलन करेगी। बिल्कुल बोला है, हम लोगों ने बोला है कि अगर इस तरह के विवाद जो उन्होंने बयान दिए हैं, जिन्होंने हिंदू आस्था का अपमान करते हुए हिंदू संगठनों को आतंकवादी बनाया है, उसके लिए वो एक सामाजिक तौर पर पूरे देश से हिंदू समाज से माफ़ी मांगे, क्योंकि इस तरह का बयान अगर आता है तो हमारे हिंदू समाज के लिए और हिंदू संगठनों के लिए, हिंदू धर्म के लिए काफ़ी विरोधाभास भी हो सकता है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इस तरह का उग्र आंदोलन करेंगे और हिंदू समाज के साथ मिलकर हिंदू सेना संपूर्ण भारतवर्ष में सड़कों पर उतरेगी और घोर आंदोलन करेगी।